Hello, once again, welcome to the channel Unleashed. Myself Saransh and this is Sonu. Our छोटा सा एक kennel club है in Sonipat called Working Dog Club. Basically, आज हम बात करेंगे from a BDS perspective about Dutch Shepherd. Dutch Shepherd जैसे नाम से पता चल जाता है Dutch. Dutch being Netherlands. ये basically breed originally Netherlands से है and this breed के सबसे पहले instances जो हमारे या जो American Kennel Club के उसमें है history में है वो basically 1880 से हैं. तो basically as by known names जैसे Dutch Shepherd, Shepherd जो हमारे herding, animal husbandry उसमें use होते थे and they were quite active breed जो अपने हर working conditions के लिए suited थे. basically herding करते थे and chicken विकन और farming and especially protection from wolf. now after all this ये Dutch Shepherd India में recently आए हैं around 5 to 6 years back जिनका इनका prevalence हुआ है. ये एक बहुत ही हार्डी और एक वर्किंग काइंड ऑफ ब्रीड है. मतलब इनमें ये आर वेरी एक्टिव. इनका फंडा ये रहता है कि ये बैठ नहीं सकते शांति से. इनको बहुत ही हाई एनर्जी डॉग्स हैं एंड प्रेजेंटली दे आर एटलीस्ट द प्रीमियर्स इन पुलिस एज वेल एज आर्मी एज वेल एज अदर वर्किंग फील्ड्स. ये बेसिकली अटैक डॉग्स हैं जो हमारे वर्किंग लाइन में यूज़ होते हैं. अब इनका क्या रहता है कि ये इतने एक्टिव हैं कि इनको एक नॉर्मल होम्स जनरली सूट नहीं करता. बेसिकली हमारे जो ये Dutch Shepherds हैं दे आर मीडियम साइज ब्रीड्स. सो इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती. अराउंड 20 to 24 inches रहते हैं फॉर फीमेल एंड फॉर मेल अराउंड 24 to 26 inches. ये जनरली लाइट वेट डॉग्स होते हैं. बल्कि Dutch Shepherds भी आपने देखे होंगे बट दैट इज़ नॉट द ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक. ये जनरली थिन एंड वेरी एक्टिव एंड वेरी एथलेटिक रहते हैं. इनका वेट जनरली रेंज अराउंड करता है 30 to 40 kgs. मैक्सिमम मेल 45, फीमेल अराउंड 25 to 30 kgs. बिकॉज ऑफ दिस दे आर वेरी एक्टिव एंड दे ड्यू टू दिस हैव अ लॉट ऑफ एथलेटिक एबिलिटीज इन देम. अब इसके बाद आ जाता है इनके टेम्परमेंट का. दे आर लिटिल बिट एग्रेसिव, यू कैन से एग्रेसिव इन द सेंस कि ये बहुत ही वर्कहॉलिक है. इनको कुछ ना कुछ काम चाहिए करने के लिए. ये खाली बैठने वाले डॉग्स में से नहीं है कि ये घर में बैठेंगे खाली बैठ जाएंगे और ये कुछ ना करें. इनको एक्सरसाइज चाहिए मोर देन अ जर्मन शेफर्ड आई वुड से एंड दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो. ये डॉग एज अ न्यू ओनर के लिए नहीं है. ये जनरली मैं उनको प्रेफर करता हूँ जिनको थोड़ी अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए. थोड़ा बड़ा फार्म हाउस है या उनका 1000 गज या बड़े घर में जगह है जिसे कुत्ता आराम से घूम सकता है. ये कमरे में रहकर एक फैमिली के साथ रह के बातें करने के लिए ये वाला डॉग नहीं है. ये डॉग क्वाइट एग्रेसिव है एंड क्वाइट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंपैशन फ्रॉम द ओनर ऑल्सो. एक ओनर को भी एक डॉग पालने का तजुर्बा होना चाहिए. फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये डॉग. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ओनर्स लेते नहीं है बट जनरली उनके साथ इनकी जेलिंग अच्छी होती नहीं है. अब इस डॉग के बारे में बताएं. ये डॉग क्योंकि इंडिया में नया है, इनकी जो ब्रीड है इंडिया में नहीं है तो इसमें मिलावट अभी इतनी हुई नहीं है. इन ब्रीडिंग इतनी है नहीं. इस रेयरिटी के कारण ये ब्रीड में अभी तक कोई पर्सनल कोई बड़ी बीमारी है नहीं. अगेन जैसे जितने भी शेफर्ड्स हैं उन सब शेफर्ड्स के साथ हमारे पास एक हिप डिस्प्लेजिया की दिक्कत रहती है तो सिमिलर दिक्कत इनके साथ भी है. बट ये बहुत ही रेयर है और जनरली ये मिलती नहीं ब्रीड है. ये इनमें कोई हेल्थ दिक्कत है नहीं क्योंकि ये बहुत ही कम लॉट हैं जो हमारे इंडिया में है. अब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग हुई नहीं है तो ये ब्रीड बिल्कुल क्लियर है. अब आ जाते हैं इसके कलर में. इसमें भी 2-3 तरह के कलर आते हैं. ब्राउन कलर आता है, ये मिक्स ब्रिंडल कलर आता है प्लस एक प्योर ब्लैक कलर भी आता है इसमें. इनके हम कोट के बारे में बात करें. जनरली कोट शॉर्ट कोट होता है. ये लॉन्ग कोट में जनरली नहीं आते हैं. हालांकि लॉन्ग कोट Dutch Shepherds हैं बट जनरली इंडिया में सारे शॉर्ट कोट Dutch Shepherds हैं तो जो इजी टू मेंटेन रहते हैं. इनका कोट इतना शेड नहीं करता. शॉर्ट कोर्स कोट होता है इनका और ये ऑल वेदर डॉग्स हैं. मतलब इनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती एंड दे आर रफ एंड टफ डॉग्स. यू कैन कीप देम एनीवेयर, गो विद देम एनीवेयर एंड दे आर अ वेरी गुड कंपेनियन पर से कि ये आपके साथ हर जगह रहेंगे सिवाय एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से घर के अंदर. बिकॉज इनको बहुत एक्टिविटी चाहिए, बहुत 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 काम चाहिए जिसके कारण ये अपना एनर्जी निकाल सके.
एक कोई भी अपना घर पे रखना चाह भी रहा है तो मैं तो यही कहूंगा घर पे रखने से पहले इसको अच्छी ट्रेनिंग दिलाएं, और ट्रेनिंग जितने से जितने यंग से दिलाएंगे उतना ये ब्रीड अच्छी आपके लिए सपोर्ट रहेगी। इस ब्रीड का लाइफ स्पैन जरिए 12 to 13 years है। ये ब्रीड 15 years तक भी रहती हुई पाई गई है, बट इसमें अगर आपने ले लिया एक बार इसमें हेल्थ में दिक्कतें कभी नहीं आती जो बाकी डॉग्स को रहती हैं, कभी बीमार हो गया कभी कुछ हो गया, बहुत रफ एंड टफ है, हमारे यहाँ भी आराम से खुला घूमते रहता है, बाहर चले जाता है, बाहर घूमता है, कोई दिक्कत नहीं आती इस डॉग में। इस डॉग के अलावा इसके और करेक्टरिस्टिक हैं कि ये दोनों अगर कपल ऑफ डॉग्स हैं तो उनके साथ भी अच्छा मेट करता है। इसको बेसिकली थोड़ा एक प्ले टाइम चाहिए सोशलाइज करने के लिए और डॉग्स चाहिए, अकेला भी रहता है पर ज़्यादा डॉग्स होंगे तो इट इज़ ईजियर फॉर हिम टू स्टे। उसके अलावा इस ब्रीड के आई डोंट थिंक कोई और साइड इफेक्ट्स या कोई और नुकसान है। ये भी एक हमारी आर्म फोर्सेज में ज़्यादा यूज़ होती हैं, खासकर जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड में दे आर वन ऑफ द प्रीमियर डॉग्स विच दे आर यूजिंग। और बिकॉज ये क्लीन लाइन है, इसमें ज़्यादा दिखते नहीं हैं, तो ये आजकल ज़्यादा आपके शेफर्ड्स से ज़्यादा ये प्रेफर करे जा रहे हैं बिकॉज दे आर अ क्लीनर लाइन एंड इनकी ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है बहुत कामों में एज़ कम्पेयर टू शेफर्ड्स एज वेल एज मेलिनोवा। सो अगर आपको ये छोटा सा एक शॉर्ट्स एक डच शेफर्ड की ब्रीड के बारे में कुछ समझ आया, कुछ पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें।